बलरामपुर तुलसीपुर विकासखंड क्षेत्र के गुलरिहा हिसामपुर का एक ऐसा मजरा है जहां आज भी ग्रामीण अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि अब देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट में सच्चाई कुछ और ही दिखती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को जानकारी दी थी कि मैं इस बात से खुश हूँ कि अब भारत में हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में देश में 100% विद्युतीकरण हो चुका है। अंधेरे में डूबे गांवों को रोशन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के भारी दावों के विपरीत बलरामपुर जिले के तुलसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरीहा हिसामपुर के गनवरिया पुरवा की तस्वीर बताती है कि इस कहानी में कुछ तो झोल है। राप्ती मुख्य नहर के किनारे स्थित गांव जहां बिजली नाम की कोई चीज नहीं है, गांव में 3 वर्ष पहले बिजली का पोल पहुंचा। पोल कुछ महीनों के बाद गांव से उठ गया। गांव में बिजली पहुंचने के बारे में जब हमने ग्रामीण धोखे रामसरन बच्चाराम मालिक नरेश अमर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के विशुनपुर भलुहिया हिसामपुर के मजरों में बिजली जल रही है। मात्र एक यही मजरा है जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। हमने कई बार इसके लिए सरकार के सामने आवाज भी उठाई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लाइट कौन व्यवस्था नहीं। गांव में खंभा पड़ा है? हाँ, गांव में पड़ा है। तार वार भी आ रहा है? तार नहीं आ रहा, तार वार नहीं आ रहा। अच्छा 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 ये मामला को लेकर कोई किसी अधिकारी से कुछ कभो कहे हुआ भैया? हम विधायक उधायक से कहा गवा का गुलरिया ना कहने गोर का गोली तो अभी भाग के लग जाई। क्या नाम है? राम गुलाम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।